लाइफ में किसी भी एरिया में सक्सेस को अचीव करने के लिए हमेशा दो पीस का ध्यान रखना। जो अब जे के चैंपियन से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ उस इंसान ने भी थ्रू आउट अपने फेज में पेशेंस को अपनी लाइफ में काफी इंकलकेट किया है एंड इज द रीजन इज अ चैंपियन टू सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू शिव नार नी कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दिसूज सक्सेस बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद अब टाइम आता है कैसी थी आपकी जर्नीर्नी जर्नी थ्रू आउटिफुल जर्नी लेकिन ये ब्यूटिफुल ना बहुत सारे चैलेंजेस के साथ आई एम श्योर आपको आया होगा तो कभी ऐसा हुआ की नहीं करते कुछ और प्लान करने थे, या फिर शुरू से ही पूरा प्रेपरेशन थी कि इंजीनियरिंग ही करनी है और ड्रीम कॉलेज ही चाहिए हाँ ये पहले से ही माइंडसेट क्लियर था कि हमारे मतलब फाइव ब्रदर सिस्टर्स हैं वी ऑल आर इंजीनियर्स सो मेरा भी प्री माइंडसेट था कि मेरे को भी इंजीनियर बनना है और मैथ्स में भी इंटरेस्ट था

उन सबको थोरली सॉल्व करा कंटेंट वाइज सारा कंसेप्ट को ग्रास किया तो उससे इंटरेस्ट पता चला कि हाँ मेरा ट्रू इंटरेस्ट इसमें है हर किसी के आ, लाइफ में यू you नो know, गुड फेज नहीं रहते आई मीन प्रेपरेशन ना बड़ी ऊपर नीचे होती है कभी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो कभी नहीं अच्छे मार्क्स आ रहे हैं hmm. तो अगर यू you नो know, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आई एम श्योर पे भी हैं आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम देम आल्सो बट कभी ऐसा अगर यू नो इफ अ स्टूडेंट इज स्ट्रगलिंग विद द स्कोर्स तो एक ऐसी टिप आप उनको अगर दे पाओ कि इट्स ओके इवन इफ यू नॉट स्कोरिंग वेल इट विल गेट बेटर तो कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ बेसिकली बीच फेज में क्या हुआ था कि टेस्ट दिया और काफी कम स्कोर आने लगा तो टीचर से बात करी और बाकी ज्यादा टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है तुम कहाँ एरर कमिट कर रहे हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम किस साइड रॉन्ग जा रहे हो उससे और वो चीज तुम अपने टीचर से डिस्कस करो कि मैं इस चीज के लिए कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ और लाइफ में डिस्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं है ठीक so, है मैं आपसे ये चीज यहाँ से जा रही कि स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं है hmm. तो इन बच्चों का स्ट्रेस भी हम दूर करते हैं जो काफी मोमेंट सो टेक तो प्लीज गोडन आपने कैसे कंट्रोल किया? आप अपने से फोकस कैसे रहे आ, के, तुम्हें पता है कि तुम्हारा आउटकम क्या है तुम मैं, ऐसे विजुलाइज करो जब भी तुम्हें डिस्ट्रेस हो रहा हो या डिस्ट्रैक्शन हो रहा हो यू जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन दैट डे व्हेन योर रिजल्ट विल कम एंड व्हेन योर पेरेंट्स आर अराउंड यू एंड यू आर क्लिकिंग ऑन द रिजल्ट एंड एवरीवन इज प्रिंग एंड आफ्टर दैट द जॉय दैट दे विल एक्सपीरियंस फ्रॉम योर रिजल्ट दैट कीप्स मी मोटिवेटेड एवरी टाइम सो माय क्वेश्चन इज कि जो मॉक टेस्ट होते थे

पहली चीज वो मैं आते ही टेस्ट जैसे ही हुआ उसके बाद लिखा उसी वक्त का एक्सपीरियंस क्योंकि अगले दिन तुम भूल जाओगे कि तुमने उस टेस्ट में क्या किया कि तुम ये क्वेश्चन करते हुए तुम्हारा थॉट क्या था कि तुम क्या सोच रहे थे कि मुझे तो गाना याद आ रहा था कोई या कुछ ऐसा याद आ रहा था पहली चीज तो ये फिर दूसरी बात जब रिजल्ट आए रिजल्ट के बाद तुम्हें देखना है कि तुम्हारे जो क्वेश्चन गलत हुए हैं अब वो दो टाइप के हो सकते हैं या तो तुम्हारा कोई कंसेप्चुअल एरर था या तुमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी या सिली एर कर दिया या तुमने क्वेश्चन को कैजुअली ले लिया तो कंसेप्चुअल मिस्टेक के लिए तो तुम टीचर से कंसर्न करो तुम उस कंसेप्ट की डेप्थ में जाओ उसे अच्छे से फिर से कवर करो और कैलकुलेशन और सिली एर के लिए थोड़ा और फोकस होकर पढ़ो और अपनी स्लीप स्लीप काफ़ी मैटर करती है इन सब छोटी छोटी गलतियों के लिए सिली मिस्टेक्स एंड कैलकुलेशन एरर ये अगर स्लीप पूरी हो और तुम रिलैक्स हो उतनी कम होती है

यू नो एज अ मदर आप आ, बाकी सारे पेरेंट्स को अगर देना चाहो कि ये मैंने किया है एंड इट इज गोइंग टू मैंने कुछ नहीं किया सब इसी की है मेहनत इसी ने किया है हार्ड वर्किंग बच्चा है काफी बस बाकी ये है कि सभी पेरेंट्स को कि अपने बेटे का फ्रेंड बन के रहो उसको कोई प्रॉब्लम हो तो उसको मोटिवेट किया करो और उसका केयर करना तो मम्मा का होता ही है काम <laughs> लेकिन की तरह अगर रहे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा रिजल्ट थैंक यू सो मच शिव बहुत मजा आया मुझे आपके साथ इस पूरी कॉन्वर्सेशन में आई गॉट टू लर्न सो मच फ्रॉम यू एंड यही तो लाइफ की बात होती है कि हर एक स्टेप पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहता है फ्रॉम स्ट्रेंजर्स फ्रॉम पीपल अराउंड यू फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फ्रॉम फैमिली एंड इसी तरीके से आप सक्सेस के बहुत सारे मंत्र सीखते चले जाते हो विद द राइट काइंड ऑफ गाइडेंस